तेज दुनिया न्यूज की खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। सेंधवा से कुछ दूरी पर स्थित बिजासन घाट में बस के ब्रेक फेल होने से बस सड़क से उतर गई। इस हादसे में बस में बैठे मजदूर घायल हो गए। सभी घायल मजदूरों को उपचार के लिए सेंधवा के शासकीय अस्पताल लाया गया। घायल मजदूरों का कहना है कि एक दो मजदूरों को फ्रैक्चर भी हुआ है, लेकिन डॉक्टर द्वारा सही ढंग से इलाज नहीं किया गया और न ही गोली दवाई दी गई, न इंजेक्शन लगाया गया। इलाज में देरी को लेकर घायल मजदूरों ने आक्रोश व्यक्त कर वहां पर हंगामा कर दिया। बड़वानी कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री H.L. आवासिया ने बड़वानी शहर में थोक कोल्ड ड्रिंक एजेंसी लोटस मार्केटिंग का निरीक्षण किया। वहां मिरिंडा सोडा की एक्सपायरिंग डेट खत्म हो चुकी बाटलों को अपने समक्ष नष्ट करवाया। नष्ट करवाए गए पेय पदार्थ की कीमत 2216 रुपये थी। इसी प्रकार कसराबाद रोड पर सेफी एजेंसी से मोनस्टर जूस का नमूना लेकर जाँच हेतु भोपाल भेजा गया। वहाँ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्य कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी में सीधी की घटना के विरोध में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को सौंपा ज्ञापन। गौरतलब है कि सीधी में तहसीलदार के साथ घर में घुसकर हुई मारपीट के विरोध में जिले में पदस्थ तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों ने कलेक्टर बड़वानी को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। बड़वानी में बुधवार की देर शाम को 10 और व्यक्तियों की कोरोना संक्रमित रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1166 हो गई है। इनमें से 1033 लोग उपचार के पश्चात स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौट गए हैं, जबकि 118 लोगों का सेंधवा के जामली, बड़वानी तथा इंदौर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक 15 लोग कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिता सिंगारे ने बताया कि बुधवार की देर शाम को जिन 10 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसमें बड़वानी के 8, राजपुर का 1 और मंडवाड़ा का 1 व्यक्ति सम्मिलित है।